हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके कैप्सूल के पार्ट वन में लेके आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स LIC डबल AO के, SBI के जो PO के 8 और 9 तारीख को एग्ज़ाम्स हैं, FCI के एग्ज़ाम्स हो गए, सारे के सारे मेंस आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे। जून लास्ट से जुलाई में आपको सारे के सारे LIC के जून में ही 27 जून को शायद दे दिए गए हैं मेंस के डेट। तो आपको इसके लिए GK कैप्सूल्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने बिहार कोऑपरेटिव बैंक में भी प्रोवाइड कराया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था और सारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर जैसे अभिषेक झा, पपन सेन गुप्ता, धीरज दुबे, इन लोगों का बिहार कोऑपरेटिव बैंक में सिलेक्शन हो चुका है। उन लोगों को बहुत सारा बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वेट लिस्ट में भी एक साल में उसका क्लियरेंस हो जाता है। अगर रिक्रूटमेंट बैंक को ज़रूरत है तो वो उनकी रिक्रूट कर देगी। तो देखते हैं, आपको एक साल लगभग में वेट करना पड़ेगा। इस बीच में अगर आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया जाता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी। हालांकि वैसे एक साल के अंदर क्लियर कर ही दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जितने भी सब्सक्राइबर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज का जो सेशन है GK कैप्सूल में, हम लोग आज जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, टॉप 200 और LIC, SBI, FCI और सारे के सारे मेंस एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो चलिए हम लोग आज सेशन स्टार्ट करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहने वाला। और मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहे और जनरल अवेयरनेस के लिए भी। तो आप ये सेशन लगातार जुलाई तक चलता रहेगा ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स SBI, FCI आप इसके सारे सीरीज़ देखिए। आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी होंगे सारे के सारे मेंस में आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स के अलग वीडियोज लाऊंगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया आता है, उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होता है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उसके प्रेसिडेंट, उसके जो स्टैटिक फैक्ट्स होंगे, मैं उसके अलग वीडियोज आपके प्रीवियस 6 मंथ में जो भी स्टैटिक फैक्ट्स बने हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्टैटिक फैक्ट्स के अलग वीडियोस में लाके आपको दूंगा। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगे जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेशन फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हाल ही में ग्लेन फिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस भारतीय कलाकार को चुना गया? राजू बरैया इज सेलेक्टेड ग्लेन फिडिज इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला बल्लेबाज को विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने एक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इसुरु उदाना जो है श्रीलंकाई ऑलराउंडर हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, विश्व आर्थिक इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो 76 नंबर पर भारत है। किसमें? इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में 76 नंबर पे भारत का स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को एशियाई ओलंपिक परिषद समिति का सदस्य चुना गया? सरदार सिंह। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा ताकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं और मुझे बहुत सारे सेशंस आप लोगों के करवाने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब अमीरात के किस शहर को 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? तो वो शहर है शारजा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 99 साल के इतिहास में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोफेसर नजमा अख्तर को
निन्यानवे साल के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 99 साल के इतिहास में पहली महिला वीसी अगर नियुक्त किया गया है तो किसे, तो प्रोफेसर नजमा अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कमी की, तो 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। मैक्सिमम टाइम जो रिजर्व बैंक जो रेपो रेट में अपने कमिंग करता है तो वो 25 बेसिस पॉइंट में ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 2019 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में किस आईआईटी ने ओवरऑल शीर्ष पर रैंकिंग हासिल की है, तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किसने, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पीटर ताबिची जो कि केनिया की है उन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूँगा, दो तीन क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाया हूँ, जैसे आप एक बात गौर करो कि अवार्ड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं उन सभी चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ, महेंद्र सिंह धोनी जो है आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बनने का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हो रहे लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा, तासिंग गंग जो है सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शख्स ने गर्लफ्रेंड के लिए 7000 किलोमीटर यात्रा कर मैरी मी आर्ट रिकॉर्ड बनाया है, जिसके साथ ही इस ड्राइंग ने सबसे बड़े जीपीएस ड्राइंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है देश जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2018 एसीएमएम टूरिंग अवार्ड किसने जीता, एसीएमएम टूरिंग अवार्ड येसुआ बेंगियो जियाफी हिंटन तथा याना लेकुन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की, तो वो है इजराइल के वैज्ञानिकों ने 3D हृदय बनाने में कृत्रिम मैनमेड 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल ने अपना कौन सा पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया, नेपाली सेट वन पहला उपग्रह जिसे नेपाल ने लॉन्च किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है, तो वो राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी टीम T20 क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई, तो मुंबई इंडियंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है मुंबई इंडियंस। हाल ही में नौसेना प्रमुख पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख पद के लिए नियुक्त किया गया है, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह इज अपॉइंटेड एज नेवी कमांडेंट के रूप में उन्हें नेवी चीफ के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है, नेवी चीफ वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी किस वेब सीरीज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, मोदी द जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर को जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी, दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर को जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमोद सावंत, मनोहर पारिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत को गोवा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना, एस्टोनिया जो है विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स EIU के सर्वे में किन तीन शहरों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है, तो वो स्थान है सिंगापुर पेरिस और हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल का प्रथम चित्र लिया गया, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल का प्रथम चित्र लिया गया। फ्रेंड्स सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेशंस में
LIC के एग्जाम से पहले 5-6 सेशंस में मैं लेके आऊँगा, ताकि आप चार, कम से कम 4 वीडियोज़ भी आप अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके सारे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और SBI के लिए, SBI कलर के लिए तो मेरे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला ये सेशन। उस SBI कलर का आते आते मैं आपके इतने वेटेज हो जाएंगे कि आपका एक भी उस मेन्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमको अच्छा लगेगा और मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया? गौरी सावंत। गौरी सावंत जो है उन्हें प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। हाल ही में भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में संपन्न हुए विशेष ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 368 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर के एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे किस वाटरफॉल को आम जनता के लिए खोल दिया गया? इंडोर वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई जो है 131 फीट है, 131 फीट ऊंची है। हाल ही में मंकी फीवर या कसानूर वन रोग का पहला मामला भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया? केरल। केरल में मंकी फीवर या कसानूर वन रोग का पहला मामला दर्ज किया गया। हाल ही में भारतीय मूल किस सांसद ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स से में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया है? जगमीत सिंह। फिर से एक बार देख लेते हैं। जगमीत सिंह ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कनाडाई संसद में, कनाडा में, के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्मश्री अवार्ड। हाल ही में भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से कौन सी चाइनीज ऐप हटाया गया? टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ग्राहम रीड। ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल को फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कैब सर्विस ने यूनाइटेड किंगडम में टुक टुक सेवा लॉन्च की? ऑटो रिक्शा। ओला। ओला ने, भारतीय कैब सर्विस ने यूनाइटेड किंगडम में, यूके में टुक टुक सेवा लॉन्च की, तो वह है ओला। हाल ही में भारतीय वायुसेना में किन नए हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? चिनुक। चिनुक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम नाथ, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में है। हाल ही में भारतीय सेना में किस तोप को शामिल किया गया? धनुष हॉविट्ज़र। धनुष हॉविट्ज़र को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में किन दो देशों के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 संपन्न हुआ? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस मैगजीन द्वारा जारी 2019 की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को शामिल किया गया? तो वो है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में मार्क जकरबर्ग को शामिल किया है। हाल ही में सौरभ चौधरी ने एशियन एयर गन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एशियन एयर गन चैंपियनशिप में पुरुषों में, एशियन एयर गन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम बताएं? तो वो है सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप प्रदान की गई? दीपा मलिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग अंत तक जरूर देखें और काफ़ी मजा आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक के विलय से देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई गोल्फ में योगदान
के लिए एशियन टूर द्वारा विशेष उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पवन मुंजाल। पवन मुंजाल को एशियाई गोल्फ में योगदान के लिए एशियन टूर द्वारा विशेष उपलब्धि पुरस्कार सम्मानित किया गया, पवन मुंजाल। हाल ही में ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के वार्षिक रोवर चैलेंज में कितनी भारतीय टीमों ने पुरस्कार जीते हैं? 3 टीमों ने। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम किलोस्कर, विक्रम किलोस्कर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 140वां स्थान उसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा परिषद फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था जो है के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने कौन? प्रफुल्ल पटेल, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस भारतीयों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडले मेडल से 2019 से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बोडले मेडल से सम्मानित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश एवं तूफान से प्रभावित मध्य प्रदेश, राजस्थान सफेद समेत तूफान प्रभावित अन्य सभी राज्यों के लिए कितने मुआवजे देने की घोषणा की? 2,00,000 रुपये मृतकों के परिजन को और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा भारतीय बल्लेबाज IPL इतिहास में 500 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? शिखर धवन। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2019 में किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ? मिरांडा हाउस, जो कि दिल्ली में है। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में शामिल हुई? स्पाइस जेट एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जालियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू द्वारा कितने रुपये का स्मारिका सिक्का एवं स्मारिका डाक टिकट जारी किया गया? 100 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का सफल परीक्षण किया, जो कि पानी और जमीन दोनों पर चलने वाली है? तो वह है चीन। किस भारतीय मनोचिकित्सक ने 2019 जॉन डक्स कनाडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता? विक्रम पटेल। हाल ही में इथियोपिया की किस पुरुष एथलीट ने पेरिस मैराथन में पुरुष वर्ग की दौड़ को जीता है? अब्राहम मिलाव ने जीता है। हाल ही में इथियोपिया की किस महिला ने पेरिस मैराथन में पहला महिला वर्ग की दौड़ को जीता? गेलेटे बुड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कजाकिस्तान के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, तो वो कौन है? नूर सुल्तान नजरबायोव ने, जो कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशियन रिच लिस्ट सबसे अमीर व्यक्ति का 2019 एशियन रिच लिस्ट 2019 के अनुसार ब्रिटेन में रहने वाले 101 सबसे धनी एशियाई में हिंदुजा परिवार 2.3 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ लगातार छठे साल किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा। हाल ही में वेल्स का कौन सा रेलवे स्टेशन 58 अक्षरों यानी कि 58 अक्षरों के साथ सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन बन गया? काफ़ी लंबा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 58 इसमें अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चली है? तो वह है दिल्ली। हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? जुजाना केपुतोवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुजाना केपुतोवा। हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में 2019 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रॉजर फेडरर ने जीता है। मैं और एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि IDBI बैंक के जो रिजल्ट्स हैं असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के, वो आप लोगों के सेकेंड वीक ऑफ जून यानी कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों के वो रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे। आप लोग मान सकते हैं कि वो 18 तारीख को आपको आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, 18 या 20 तारीख को आपके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में पुरुष एकल वर्ग 2019 में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रॉजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने लार्सन एंड टुब्रो को माइंडिट्री में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है? 66.15%। हाल ही में 20वीं विक्टर डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? हर्षिल दानी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए मॉनेटरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? गार्बिन मुगुरुजा ने जीता, जो कि स्पेन की हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकिलिंग हब किस शहर में खुला? तो वह है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BJP का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वह है उमा भारती। हाल ही में 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर ने कितनी बार मियामी ओपन और करियर का 101वां सिंगल्स खिताब जीत लिया है? तो चौथी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खातों में 1 लाख रुपये तक की रकम पर मिलने वाली ब्याज को 5% से घटाकर कितने करने की घोषणा की? 4.50%। हाल ही में किस भारतीय ने विंडहम कैंपबेल पुरस्कार जीता? रघु कर्नाड। सेशन थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जल्दी जाऊँ, जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन में फिर दोबारा लेके आऊँ। और स्टैटिक के भी सारे के सारे सेशंस, प्रीवियस 6 मंथ्स में स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आप लोग के लिए, वो सेशंस जरूर से लेके आऊँगा। आप लोग बस मोटिवेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में एबल प्राइज़ 2019 किसे प्रदान किया गया? करेन उहलेन बेक, जो कि अमेरिका के हैं, उन्हें एबल प्राइज़ 2019 प्रदान किया गया। हाल ही में किस स्वदेश निर्मित 155x45 कैलिबर गन प्रणाली को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो वह है धनुष। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ग्लोबल स्लैक कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? टाटा स्टील। हाल ही में नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? गार्गी कॉल को। हाल ही में किस भारतीय लड़की ने दुबई की ड्यूटी फ्री मिलेनियर में $10 लाख की लॉटरी जीती है? एलिजा एम ने। हाल ही में भारत और UK के बीच बीमा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया? एलिस जी वेदन को। हाल ही में गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड किसे नियुक्त किया गया है? म्यूरी कांगो को इंडस्ट्री हेड एजेंसी बिजनेस का हेड नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने रावण 1 नामक अपना प्रथम उपग्रह लॉन्च किया है? श्रीलंका। हाल ही में CRPF शहीद परिवार की सहायता हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? CRPF वीर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत कितने स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई जोन में बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया? 1000 रेलवे स्टेशन। हाल ही में सेफ महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडेन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का नाम शामिल है? मुकेश अंबानी। हाल ही में स्पीक इन द्वारा जारी अप्रैल माह के लिए ट्रेंडिंग स्पीकर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुरुग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में कल्पना की श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? रिचर्ड पावर्स को पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC ऑफ इंडिया के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विपिन आनंद। LIC WO की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंश्योरेंस अवेयरनेस भी मैं लेके आऊँगा, तो उसमें जो भी बीमा योजना वगैरह रहती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस में, तो वो भी आपके सेशंस जरूर मैं लेके आऊँगा। LIC ऑफ इंडिया के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विपिन आनंद। हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? के गोविंद राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तानी सिंगिंग शो अफगान स्टार को 14 साल में पहली बार किस महिला ने जीता? जहरा इलामस ने जीता। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को सर्वप्रथम ISO प्रमाणीकरण किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन।
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाणीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? सोहेल महमूद को। हाल ही में पाकिस्तान ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? सोहेल महमूद को नियुक्त किया। हाल ही में किन दो देशों के बीच अफ्रीकन लायन 201 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? अमेरिका और मोरक्को के बीच अफ्रीकन लायन 201 युद्ध अभ्यास का अभ्यास किया गया। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किन्हें चुना गया है? मोहम्मद इस्ताए को फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में फोटोग्राफर जॉन मूर द्वारा अमेरिका मेक्सिको सीमा पर ली गई रोती हुई बच्ची की तस्वीर को कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं और काफ़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसी तरह आगे और भी क्वेश्चंस हैं, आप बने रहें और बहुत सारे सेशंस में लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया? संयुक्त अरब अमीरात। रॉयटर्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए वायरलेस इंडक्शन बेस्ड फास्ट चार्जिंग सिस्टम स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में एकल पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? लिंडेन ने। हाल ही में किस टीम ने छठी बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? सर्विसेज। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? ग्रेहम रीड। हाल ही में किस देश ने संभावित बिजली कटौती से बचने के लिए चाय बागान वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? श्रीलंका। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह दक्षिण कोरिया, जो विश्व का सबसे पहला देश होगा जो 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो वह है PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 यानी कि UN हैप्पी इंडेक्स 2019 के मुताबिक 156 देशों में सबसे नीचे देश कौन सा है? तो वह सूडान सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए GI टैग प्रदान किया गया? तो वो है ओडिशा। कंधमाल हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया किस राज्य से की वो है कंधमाल हल्दी किस राज्य में आपको मिलता है? तो वो है ओडिशा, जहां अभी फनी तूफान भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच प्रमुख के रूप में किसे चयनित किया है? निकोलस कोम जियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस DK जैन BCCI के लोकपाल, उन्हें तदर्थ एथिक्स अफसर भी नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चंस नहीं है, ये एक वन लाइनर आंसर्स हैं जिसमें क्वेश्चंस प्रिंट नहीं, मतलब उसमें क्वेश्चंस टाइप में नहीं, यही आंसर्स हैं। जैसे कि BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन जो कि एथिक्स अफसर भी नियुक्त किया गया, उन्हें एथिक्स अफसर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी UN पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 19 के बीच भारत की सालाना जनसंख्या वृद्धि दर औसतन कितने प्रतिशत रही? 1.20%, काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में किस समाचार पत्र को पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में वर्ष 2018 में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में कुल कितने अरब डॉलर भेजे गए? तो 79 अरब डॉलर, लगभग 550,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। हाल ही में किस भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जयदीप सरकार को। हाल ही में किस भारतीयों को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित करने की घोषणा की? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश के कृषि विभाग ने बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया? अमेरिका। हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया? ग्रेहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्यों
राष्ट्र में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की यूरोपियन यूनियन। हाल ही में बीसीसीआई का नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? डी के जैन, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बैंकिंग अवेयरनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और LIC के मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हाल ही में ताइपे में आयोजित 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा पदक जीत स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अध्यापक ने मोस्ट प्रमोशिंग इंडिविजुअल श्रेणी में 2019 मार्था फेरल पुरस्कार जीता? मनु गुलाटी ने। हाल ही में कर्नाटक बीजेपी की उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तेजस्विनी को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? डेविड मॉलपॉस को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र झांसी की बबीना में आरंभ हुआ? भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2019 में किस IIT ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने लगातार तीसरे साल विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में 15 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर किस शहर को रखा गया? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलुगु भाषा के किस कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया? के शिवा रेड्डी। हाल ही में भारत ने स्वदेशी एंटी सैटेलाइट वेपन ASAT से लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष इतिहास में नाम दर्ज कर विश्व में कौन सी स्पेस पावर बन गया? चौथी स्पेस पावर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी IPL इतिहास में 100 मैचों में कप्तानी करने वाला तीसरा खिलाड़ी बना? तो वह है विराट कोहली। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर के इरफान रमजान शेख को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत का पहला अरब डॉलर का गेमिंग स्टार्टअप बना है कौन? तो ड्रीम 11। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम संशोधित कर क्या कर दिया है? पुरेची तल्लेवर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में म्यांमार की जेल में 490 दिनों से बंद रॉयटर्स के पत्रकारों वा लोन और क्याव सोए ओ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार से। किसे? तो वा लोन और क्याव सोए ओ, उनका नाम है जो कि म्यांमार के हैं, उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार किस भारतीय ऑनलाइन गेम को गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ? तो वो ड्रीम 11 है। काफ़ी पसंद किया जा रहा है हमारे देश इंडिया में। हाल ही में भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के अंतर्गत किया गया? मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनु भास्कर ने एशियन एयर गन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो मनु साहनी को ICC का नया CEO नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन सा पूर्व भारतीय क्रिकेटर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ? गौतम गंभीर, जो कि BJP में शामिल हुए और चुनाव भी वो जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने स्थिर परिदृश्य के साथ लगातार 13वें साल भारत की सावरिन रेटिंग बरकरार रखी, तो वह है BBB। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 156 देशों में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आईपीएल इतिहास में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? जो सुरेश रैना। हाल ही में भारत में स्वदेश निर्मित 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिकागो के इतिहास में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला मेयर कौन बनी? लोरी लाइटफुट। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पंडावनी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस अवार्ड से नवाजा गया? पद्म विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गौतम गंभीर को पछाड़कर आईपीएल में सर्वाधिक 37 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? डेविड वार्नर। हाल ही में ऑनलाइन बीमा वेब एग्रीगेटर पॉलिसेक्स .com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? वीरेंद्र सहवाग। हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा जीती है? भारत। हाल ही में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में केनरा बैंक का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आर ए शंकर नारायण को नियुक्त किया गया केनरा बैंक का एमडी एवं सीईओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद द्वारा जारी सूची के अनुसार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 20 वर्षों के शासन के बाद किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अल्जीरिया। 20 वर्षों के शासन उन्होंने वहाँ पे अल्जीरिया में किया था, जो अजीज बुतेल्फिका ने अब 20 वर्षों के बाद वहाँ से इस्तीफा दे दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में बोलीविया में राष्ट्रपति कोविंद को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कोंदोर दे लॉस आदेंस एन एल ग्रादो द दे ग्राउंड कॉलर के नाम से नियुक्त किया गया। हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? जुजाना कापुतोवा। जुजाना कापुतोवा को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय संगठन को एसोचैम ने सर्वश्रेष्ठ खेल संघ घोषित किया? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाल ही में किस 18 वर्षीय लेडीज भारतीय गोल्फर ने दक्षिण अफ्रीकी ओपन जीतकर लेडीज यूरोपीय टूर में एक स्पर्धा जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई? दीक्षा डागर। हाल ही में किस इजरायली गोलकीपर ने पेशेवर फुटबॉल मैच खेलने का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? इसाक हाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर रिटेल ने किसे तीन साल के लिए एक बार फिर से प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है? किशोर बियाइनी। हाल ही में किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र समर्थित WSIS प्राइज 201 से सम्मानित किया गया? तो वह सबुज साथी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2019 डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता? हर्षिल दानी। हाल ही में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में 100 आईपीएल मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में इसरो ने PSLV-45 से DRDO के इमीसेट एवं अन्य कुल कितनी विदेशी नैनो सेटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वह 28 सेटेलाइट को DRDO ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को जोनस यूएसए टुडे की मनोरंजन जगत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया? प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में भारत के किस स्टार्टअप को नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 प्राप्त हुआ? दोस्त एजुकेशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कितने अरब नेटवर्थ होने के साथ सेंटी बिलियनर बन गए? तो 100 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के कौन से फुटबॉलर विश्व के सबसे उम्रदराज फुटबॉलर खिलाड़ी बने? इसाक हाइक, 73 वर्ष के। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस यूरोपियन देश द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया? क्रोएशिया के द्वारा। हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नूर सुल्तान कर दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बस टिकट प्लेटफॉर्म रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में किसने जेट एयरवेज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया? नरेश गोयल। हाल ही में कौन सा शेयर बाजार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया? हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में 2018 का व्यास सम्मान किसने जीता? प्रसिद्ध हिंदी लेखक लीलाधर जग। ये आज 182 क्वेश्चन आप लोग के लिए था। सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, तो
इसी तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोग ने देखा, पूरा का पूरा वीडियोस देखिए। मुझे पता है कि एक आपको शॉर्ट एक बार देखिए, दो बार देखिए, मैं आपको बोलता हूँ ये दो तीन बार अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम्स और पॉइंट ऑफ व्यूज के। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस और भी जीके कैप्सूल्स रेगुलर बेसिस पे आपको देते रहूँगा, जो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंस में जनरल अवेयरनेस के कारण काफ़ी कम मार्क्स आदमी स्कोर कर पाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक दो बार आप देखें, आपको सारा का सारा क्वेश्चंस याद हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, गोल अचीवर को लाइक करें और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।